आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे क्वेश्चन है, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। सो यहां पे तीनों मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और हमें बताना पड़ेगा कौन सा ये प्रोडक्ट है। तो अगर हम रिएक्शन देख लेंगे, यहाँ पे क्या है, रिएक्शन में एक डबल बॉन्ड है, ओके, एक ऐसे सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है। यहाँ पे एच बेयर तीनों में ही हम देखेंगे, तीनों में ही एच बेयर फर्स्ट स्टेप में दिए गए हैं, ओके। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे एच बेयर देंगे तो क्या होगा, एच बेयर एक एसिड है, यहाँ पे एच बेयर एच प्लस है यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ये इमीडिएटली एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब यहाँ से दो कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकते हैं, ओके, दो कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है, एक हो सकता है यहाँ पे ऐसे CH3+ और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, और दूसरा जो फॉर्म होगा और यहाँ पे फॉर्म हो सकता है ऐसे यहाँ पे CH3, यहाँ पे H+ जो है ये H यहाँ पे आ गया और यहाँ पे डबल यहाँ पे कार्बोकैटायन। अब अगर हम इन दोनों में से देखेंगे तो ये क्या है, ये जो कार्बोकैटायन है ये 3° कार्बोकैटायन है, यहाँ पे ये 2° कार्बोकैटायन है, 3° कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल, राइट। तो यहाँ पे ये वाला कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, नॉट दिस वन, ओके। यहाँ पे 3° कार्बोकैटायन है जो CH3 है, इसका एक प्लस आई इफेक्ट एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, नॉट दिस वन, ओके। तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगा, हमारे पास जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा दैट इज एक्चुअली दिस वन। तो अब आप क्या होगा, मतलब इसके बाद जो है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल दिए गए हैं, तो ये है हमारा कार्बोकैटायन। अब ये कार्बोकैटायन तीनों में ही फॉर्म होगा क्योंकि तीनों में ही HBR दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रिएक्शन यानी कि R1 जहां पे है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है मतलब वाटर है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है न्यूक्लियोफाइल, एक और ऑप्शन क्या है, ब्रोमीन माइनस HBR देने से या तो ब्रोमाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा या तो H2O। अब यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन एंड वाटर के बीच में ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन का मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज्यादा नहीं होता है, ओके, ब्रोमीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ज्यादा नहीं होता है, तो यहाँ पे वाटर क्या करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा। तो यहाँ से अटैक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ऐसे CH3 और यहाँ पे OH, दिस विल बी आवर प्रोडक्ट, सो दिस इज आवर R1, ओके। दूसरा जो है वहां पे एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक होगा, यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल मिथानॉल अटैक होगा। दूसरा जो है, दूसरे रिएक्शन में यहाँ पे CH3 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल दिए गए हैं CH3OH यानी कि मिथानॉल। अब ये जो मिथानॉल है ये क्या करेगा, ऐसे OH का ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये यहाँ पे ऐसे अटैक कर देगा, ओके, तो यहाँ से अटैक कर देगा और एक H- निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे CH3 आएगा, फिर OH+ CH3 आएगा, अब यहाँ से एक H- निकल जाएगा और जो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा दैट इज यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट होगा यहाँ पे ऐसे CH3 और यहाँ पे OCH3, सो दिस इज आवर R2। एंड तीसरा जो है यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या अटैक करेगा, D2O, राइट, एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा D2O। तो सिमिलरली यहाँ पे जो कार्बोकैटायन जो है, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे प्लस, यहाँ पे है CH3, अब D2O जो है, D2O का ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये यहाँ पे अटैक कर देगा और यहाँ से जो फॉर्म होगा यहाँ पे ऐसे CH3 एंड यहाँ पे ऐसे OD2+, अब यहाँ से एक डॉटेरियम निकल जाएगा, ओके, एक D+ ऐसे निकल जाएगा। तो ये निकल जाने के बाद यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा CH3 यहाँ पे OD, सो दिस इज आवर R3, ओके। तो ये है हमारा तीनों प्रोडक्ट, ओके। अब हम अगर यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेंगे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट, यहाँ पे OCH3 होगा, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।